काले रंग के कारण थिएटर होटल में नो एंट्री। ऑस्कर विनर हैटी को गोरों के साथ बैठना भी मना था। चार शादियां की लेकिन मां नहीं बन पाई। सोमवार को सुबह 5:30 बजे ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी होगी। फिल्मी दुनिया के लिए ऑस्कर से बड़ा कोई अवार्ड नहीं है। आज हम आपके लिए एक ऐसी ऑस्कर विनर एक्ट्रेस की कहानी लेकर आए हैं जिसने हॉलीवुड फिल्मों का नक्शा बदलने की शुरुआत की। इस एक्ट्रेस का नाम था हैटी मैकडेनियल। हैटी ब्लैक यानी अश्वेत थी। 1930-40 का दौर था जब दुनिया में अश्वेतों के साथ भेदभाव किया जाता था। हॉलीवुड फिल्मों में ब्लैक एक्टर्स को सिर्फ नौकरों का ही रोल मिलता था, ना सेट पर कोई सुविधा और ना ही उतना पैसा जितना कि गोरे कलाकारों को मिलता था। यहाँ तक कि कपड़े बदलने के लिए कोई भी अलग ड्रेसिंग रूम नहीं होता था। उस दौर में हैटी ने अपना फिल्मी सफर शुरू किया। नौकरों के ही रोल मिले लेकिन उनमें भी जान डाल दी। नतीजा 1939 में आई हॉलीवुड की लैंडमार्क रोमांटिक फिल्म गोन विद द विंड में नौकरानी के रोल के लिए ही हैटी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड मिला। इतिहास में पहली ब्लैक कलाकार थी जिसे ये सम्मान मिला। हैटी ने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया। पिता युद्ध में हारे हुए गुलाम थे, मजदूरी करके घर चलाते थे। हैटी जब पैदा हुई तो वो कुपोषित थी क्योंकि घर की इतनी कमाई भी नहीं थी कि पेट भर खाना मिल सके। क्लब में नौकरी की तो वहाँ वॉशरूम अटेंडर का काम मिला। फिल्मों में आई तो काले रंग के कारण इतना भेदभाव झेलना पड़ा कि जिस फिल्म में इन्होंने काम किया उसके प्रीमियर में भी उन्हें नहीं जाने दिया गया क्योंकि उस थिएटर में अश्वेतों का आना मना था। हैटी ने चार शादियां की, चारों नाकाम रही। एक बार प्रेग्नेंट हुई लेकिन मिसकैरेज के कारण मां नहीं बन पाई। पैदा होने से शुरू हुआ काले गोरे का भेद 1952 में हैटी की मौत तक जारी रहा। उनकी आखिरी इच्छा थी कि उन्हें उस कब्रिस्तान में दफनाया जाए जहां गोरे एक्टर्स को दफनाया जाता है, लेकिन इस ख्वाहिश से ही गोरों की भौहें तन गईं। उन्हें गोरे लोगों को उस कब्रिस्तान तक में जगह नहीं मिली। उनकी मौत के बाद उनका वो ऑस्कर अवार्ड भी रहस्यमय तरीके से चोरी हो गया क्योंकि कई गोरे लोगों को उनका ये अवार्ड जीतना रास नहीं आया था। हैटी मैकडेनियल का जन्म 1893 को यूएस के विचटा शहर में हुआ था। ये 13 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। परिवार इतना गरीब था कि उनके खाने पीने के भी लाले पड़े हुए थे। नतीजतन हैटी कुपोषित पैदा हुई। उनका वजन आम नवजात बच्चों से काफी कम, महज यानी कि 1.5 किलो था। हैटी का परिवार सालों तक सिविल वॉर और गुलामी के डर के साए में रहा। इनके माता पिता सुजैन और हेनरी मिड अटलांटिक साउथ में पैदा हुए थे जो कि गुलाम थे। 1864 को इनके पिता हेनरी सिविल वॉर में शामिल हुए थे जिसके लिए उन्हें नासविले की क्रूर जंग में भेजा गया। जंग के दौरान हेनरी के मुंह की एक हड्डी टूटी थी। जंग के माहौल में सही इलाज न मिलने पर उनके जख्म खुले रह गए और इन्फेक्शन फैल गया। जंग खत्म हुई तो शरीर कमजोर हो चुका था लेकिन घर चलाने के लिए हेनरी मजदूरी करते थे। जब 1893 में हैटी का जन्म हुआ तो एक साल बाद परिवार पलायन कर अमेरिका के डेनवर शहर में आ गया। यहाँ भी गरीबी में इनके परिवार को कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। कुछ सालों बाद घर का खर्च यूएस गवर्नमेंट से मिलने वाली पेंशन से चलने लगा लेकिन बाद में डॉक्यूमेंट्स की कमी से वो पेंशन भी बंद हो गई। 1908 में हैटी ने डेनवर वेस्ट हाई स्कूल में पढ़ाई शुरू की। यहाँ होने वाले सिंगिंग कंपटीशन में हैटी ने पहला स्थान हासिल किया। इसके बाद से ही हैटी अपने भाई बहनों के साथ प्ले में हिस्सा लेने लगी। इनका भाई ओटिस मिंस्टेल शो नाम की कार्निवाल कंपनी में काम किया करता था। ये अपनी तरह का इकलौता कार्निवाल शो था जिसमें अमेरिकन लोग अफ्रीकन लोगों की तरह तैयार होकर उनका मजाक बनाते थे। हैटी ने इनके ड्रामा के लिए बनाए जाने वाले गाने लिखने लगे। 1916 में भाई की मौत के बाद हैटी ने खुद भी ये काम छोड़ दिया। चंद दिनों के संघर्ष के बाद इन्हें 1920 में रेडियो में गाने की नौकरी मिल गई। हैटी की आवाज इतनी बेहतरीन थी कि इनके गाए गाने के रिकॉर्ड किए जाने लगे। 1929 में स्टॉक मार्केट क्रैश होने से सारे सिंगर्स को नौकरी से निकाल दिया गया। हैटी की भी नौकरी चली गई। परिवार का खर्च उठाने के लिए हैटी ने नाइट क्लब सबर्बन इनमें बाथरूम अटेंडर बनकर काम किया। एक दिन उस नाइट क्लब के बंद होने से पहले सारे सिंगर्स घर निकल गए। भीड़ परफॉर्मेंस का इंतजार कर रही थी तो हैटी खुद स्टेज पर जाकर गाने लगी। उनकी परफॉर्मेंस इतनी बेहतरीन थी कि नाइट क्लब के मालिक ने उन्हें ही सिंगर की जगह दे दी। 2 साल बाद ग्रेट डिप्रेशन के समय नाइट क्लब बंद होने से फिर हैटी की नौकरी चली गई। नौकरी जाने पर हैटी ने एक दिन हॉलीवुड जाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी जमा पूंजी पर्स में डाली जो महज $20 थी और हॉलीवुड के लिए रवाना हो गई। उनका भाई सैम पहले ही एक्टर था। यहाँ उन्होंने कभी नौकरानी का काम किया, कभी कुक का। एक रेडियो शो में इनको हे हेट हैटी नाम से एक प्रोग्राम मिला जिसमें वो मालिकों को परेशान करने की बात करती थी। सैलरी इतनी कम थी कि रेडियो में प्रोग्राम आने के बावजूद ये मेड की तरह काम करती थी।